दीप्ति एक मिनट, दीप्ति ये जरा ठीक करना। दीप्ति तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मेहनती भी बहुत हो, लेकिन अपने रास्ते से भटक मत जाना। भूल मत जाना कि आर्यन मेरा हस्बैंड है। या थैंक यू सोनिया। सोनिया पहले शूट कर ले। ओके। लवली लवली सोनिया ब्यूटीफुल। आर्यन शायद वहां कोई है। कोई भी तो नहीं है। चलो डॉट ले। या ब्यूटीफुल यस। आर्यन देखो ना कोई तो है वहां पर। आर यू सीरियस? या कोई नहीं है। कैन वी शूट? या फैन किसने चलाया? किसी ने नहीं सर। म्यूजिक ऑफ। सब लोग 10 मिनट का ब्रेक लो। आर्यन ये तो ब्लड है ना? ब्लड नहीं नहीं आई बिलीव वो ब्लोअर चला था तो उसकी वजह से तुम्हारा जूस का ग्लास गिर गया। Sonia, this is amazing. Why? What is it? Your cover. Huh? Oh yes! I didn't believe this, Arina. You know what? इस cover पे तुम्हारी picture का मतलब है। You are the top model of the country now. I am so happy. Thank you, baby. This calls for a celebration now. डॉक्टर को बुलाओ ना। अरे अरे क्या हो रहा है? लाइट को क्या हो रहा है? अरे बहुत जल रहा है। अरे प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। कोई डॉक्टर को बुलाओ। वो साथ में। अरे तुम्हें कोई आवाज सुनाएगी? अरे कोई है यहाँ पे? सोनिया कोई आवाज नहीं आ रही है। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। वो देखो जा रहे सोनिया। कोई नहीं यहाँ पे। अरे कोई है? देखो ना, देखो सोनिया कोई नहीं है वहाँ पे। कोई है? सोनिया सोनिया आर्यन। सोनिया इट्स मी। कैसी हो तुम? बेटा पर आर्यन कल जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। एक्चुअली गलती मेरी है। मुझे वो शैंपेन की बोतल खोलनी नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्या था उसमें। देखो ना क्या हो गया। आर्यन बात वो नहीं है पर वो आवाजें। मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। सोनिया वहां कोई आवाजें नहीं थी। सब कुछ इतना अचानक से हुआ ना। तुम सहम गई हो। तुम्हारा वहम है ये। आई होप सो। पर आर्यन
आर्यन मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ पे। तुम एक काम करो, आज आराम करो। एक्चुअली मेरा जाना जरूरी है, वो मॉडल की डेट एक महीने तक मिलेगी नहीं, तो अदरवाइज मैं कैंसिल कर देता। नहीं, दैट्स ओके। एक्चुअली मैं भी अपनी शूट कैंसिल नहीं कर सकती, हम लोगों ने बहुत एक्सपेंसिव रिसॉर्ट बुक कराया है खासकर इस शूट के लिए, और वैसे भी घर रहूंगी तो पता नहीं दिमाग में क्या क्या हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट बेबी, यू गेट रेडी। ओके मैं वहां जाके तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके आर्यन, लव यू। लव यू टू। चल बेबी, गॉट टू गो। टेक केयर, बाय। हेलो हेलो, सोनिया कहाँ हो, इतनी देर से फोन नहीं उठा रही। Are you okay? मैं ठीक हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे फोन करना। Yeah, baby. I'm all fine. मैं actually अभी निकल ही रही थी शूट के लिए। I'm fine. All right, baby. Love you. Bye. Yeah. आर्यन, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? हाँ वो मुझे लगा थोड़ी देर के लिए शायद घर जाना होगा। नो वेज, आज सिर्फ तुम और मैं, और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैडम जी, ये आपके लिए। किसने दिया? ये आर्यन सर ने भेजे आपके लिए। ओह हाँ, थैंक यू। जी Thank you.
राजेश क्या हुआ? अरे वो लाइट का, लाइट फटाफट भेज वहां पे। और जनरेटर? अरे यार जनरेटर अभी चाहिए, तुरंत, इसी वक्त। तीन रूम और मिलेंगे क्या? अरे यार मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैनेजर से बात कर रहा हूँ। हाँ मैनेजर। पॉसिबल नहीं सर, रिसोर्ट पूरा भरा हुआ है। अरे मैनेजर साहब कुछ तो करिए, आप कर सकते हैं। चांस ही नहीं सर, यहाँ तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं खुद ही कर देता। वो पूरा फर्स्ट फ्लोर तो आपको दे दिया, वो सेकंड फ्लोर पूरा ऑक्यूपाइड है सर। थर्ड फ्लोर क्या हुआ? सर थर्ड फ्लोर तो यहाँ है नहीं, हमारे रिसोर्ट में सिर्फ दो ही फ्लोर है। अरे हेलो, हाँ कैमरे का हो गया क्या? अरे यार फटाफट करो। हाँ कैमरा है क्या आपके पास? सर कैमरा यहाँ? सॉरी सॉरी। हाँ भाई रूम का हुआ क्या? अरे यार तुमसे नहीं, मैं किसी और से बात कर रहा हूँ मैनेजर साहब से। जस्ट एक मिनट। हाँ सोनिया मैम का रूम हो गया क्या? बिल्कुल रेडी है सर। सर सर सब जल्दी आइए। सर सर वो देखिए। क्या हुआ मैडम, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपका? गाड़ी गाड़ी में कोई, सारी चोटें कैसे लगी मैम? गाड़ी में कोई था। आप आइए आइए, मुझे घर जाना है। ठीक है अभी अभी गाड़ी मंगवा रहे हैं, आप आइए। मुझे जल्दी से रूम के उस तक रहो फटाफट। सुषमा मैम को जल्दी से रूम के अंदर लेके जाओ, मुझे घर जाना है। गाड़ी आ रही मैम, प्लीज प्लीज आप समझने की कोशिश करिए, मैं हूँ ना। मैम चले जाना, पहले अपने रूम में तो चलिए। मैम संभालिए। सुषमा तुम ना प्रोडक्शन वाले को बोलो कि मुझे ना अभी जाना है। हाँ बोलती हूँ मैम, आप बैठिए प्लीज। प्लीज तुम एक काम करो, तुम ना उसको वो फोन करो, उसको कहो कि मुझे। ठीक है ठीक है मैम, मैं देखती हूँ मैं कॉल करूँ। फोन करो उसको। मैम फोन नहीं लग रहा। तो जाओ और जाओ उसको जाके बोल कर आओ। ठीक है मैम मैं देखती हूँ क्या हुआ।
कौन हो तुम? क्या चाहिए मुझसे? क्या चाहिए? जरूरी है। हेलो आर्यन, आर्यन मैं रिसॉर्ट पे हूँ, प्लीज जल्दी आओ, जल्दी आके मुझे ले जाओ। आर्यन मेरी गाड़ी, मेरे सारा सामान चले गया। क्या आर्यन वो वापस आ गई? आर्यन मुझे मार डालेंगे। सोनिया कौन वापस आ गई है? हेलो 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 सोनी मैम, क्या हुआ? ये आपके लिए। भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ रूम नंबर 343 में। आर्यन, आर्यन रिसॉर्ट में ही है। उसने मुझे बताया क्यों नहीं? प्लीज मुझे
माफ कर दीजिए साहब, मैंने कुंजी किया मैं। सर बहुत कम है ये तो। अरे यार कम है का क्या मतलब है, पूरी शूटिंग कैंसिल हो गई है, प्रोड्यूसर साहब का कितना नुकसान हुआ पता है ना। उसने मुझे एक नोट दिया कि आर्यन मुझे रूम नंबर 343 में बुला रहा है। मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पे कोई 343 रूम है ही नहीं मैडम। सही कह रहा है, इस रिसोर्ट में कोई थर्ड फ्लोर तो है ही नहीं। तुम पागल हो गए हो, मैं कहीं थी, मैं 343 में। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। एक मिनट मैं कूल, कोई नहीं यहाँ पे, कोई नहीं। लगता है पैनिक अटैक आया है। और ये इतनी सारी चोटें इन्हें कहां से लगी? यू नो ये कोई मामूली चोटें नहीं है। पता नहीं डॉक्टर साहब, जब से यहाँ पे आई हैं बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें हो रही इनके साथ, और बहुत अजीब बातें भी कह रही हैं। कोई आत्मा इनके पीछे पड़ी है। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। आज के वक्त में आप ऐसी बातें करते हैं? आपने इनके घर में किसी को इन्फॉर्म किया या नहीं? जी हाँ कर दिया है। मैम प्लीज अपना ऑटोग्राफ दीजिए ना। थैंक यू मैम। सोनिया क्या हुआ तुम्हें, कौन मार देगी तुम्हें? ये देखो, ये देखो। क्या है सोनिया, कुछ भी तो नहीं है। नहीं आर्यन, उसने उसे अभी अपना नाम लिखा था। सोनिया ये सब तुम्हारा वहम है बस। मेरा वहम नहीं है, ये देखो ये क्या किया है, ये सब देखो, वो मुझे मार देगी। कौन मार देगी तुम्हें? स्टेला मैम। स्टेला
सोनिया क्या मजाक है? मैं मजाक भी कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं स्टेला मैम वो यही कह रही हूँ, वो मार देगी, मार देगी। लकी हूं मैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की आज मेरे साथ है। वेल सर शॉट रेडी है मैम, चली मैम नहीं स्टेला कहूँ। नो वेज मैम, आप इतनी सक्सेसफुल और फेमस है कि आपको तो नाम से कोई नहीं बुला सकता, आपकी सबसे बड़ी फैन भी नहीं। सीरियसली मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और एक दिन मैं आपकी जैसी बनना चाहती हूँ। मैं कभी उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, वो तो मेरी फेवरेट थी। तुम्हें वो रात याद है जब फोटोशूट के दौरान उन्होंने हमें साथ देखा था? Hey, Stella. हाथ मत लगाओ मुझे, मैं जानती हूँ तुम्हारी नजर सोनिया पर है। तुम सुधर जाओ, मैं तुम्हें कब से ये सब करते हुए देखते आ रही हूँ। Stella baby, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। Don't touch me. मैं सब जानती हूँ तुम्हारी लाइफ में कितनी लड़कियां हैं, और अब ये सोनिया। सोनिया मेरी असिस्टेंट है। सोनिया अच्छी लड़की है समझे तुम, तुम्हारी तरह नहीं है वो। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मैम दवाई ले लीजिए। बैठे बैठे आँख लग गई थी, सर में बहुत दर्द है। आप दवाई ले लीजिए। नहीं मुझे दवाई नहीं लेनी। मैम आप दवाई लेंगी तो आपके सारे दर्द ठीक हो जाएंगे, लीजिए। सोनिया। जी मैम। एक बात बताओ, तुम और आर्यन। नहीं मैम, आप जैसा सोच रही है वैसी कोई बात नहीं है, एटलीस्ट मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। मैम मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और एक दिन आपकी जैसी बनना चाहती हूँ। तुम भी ना सोनिया। तुमने क्या किया मैम, ये तुमने मुझे क्या पिला दिया मैम? मैम तुम क्या फेम के लिए और मेरे बॉयफ्रेंड के लिए तुमने ये क्या किया? मैम आप गलत समझ रही हैं मैम। चला मैम चला, क्या हुआ इसे? उस दिन मुझसे जो कुछ भी गलती हुई ना, शायद स्टेला मैम उसी के लिए मुझसे बदला लेना चाहती है। सोनिया होश में आओ, स्टेला की मौत एक एक्सीडेंट है, मेडिसिन रिएक्शन की वजह से उसकी मौत हुई है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं उस गिल के साथ नहीं जी सकती, बस अब और नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? आर्यन मैं पुलिस के पास जाऊंगी और मैं सरेंडर कर दूंगी। पागल तो नहीं हो गया? नहीं आर्यन, ये काम ना मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन लेकिन तुमने रोक दिया। लेकिन अब नहीं, मैं जाऊंगी और मैं सरेंडर कर दूंगी। अपने इमोशंस को कंट्रोल में करो, अगर तुम पुलिस के पास गई तो वो लोग समझेंगे कि तुमने पहले झूठ बोला था।
और तुम ही मर्डर हो। जो करना करे, केस खोले, इन्वेस्टिगेट करे, और अगर उन्हें लगता है ना कि गलती मेरी थी तो ठीक है, मुझे सजा भी दे दे। लेकिन शायद शायद स्टेला मैम ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो इंसाफ चाहती है। मैं नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। तुम कहीं नहीं जा सकती, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा जैसे मैंने स्टेला को मारा था। स्टेला मैम को, स्टेला मैम को तुमने मारा? और मैं हमेशा ये सोचती रही कि मैंने, हाँ, स्टेला की मेडिसिन्स मैंने ही बदले थी। तुम सोचती रही कि तुमने उसे मारा? पर क्यों? वो तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। प्यार? वो मुझे बदलना चाहती थी, एक ऐसे इंसान में जिसे वो प्यार कर सके। अगर तुम नहीं सुधरे ना तो मैं तुम्हारा करियर, लाइफ सब कुछ खत्म कर दूंगी। तुम ये जो आज बहुत कैसनोवा बन के घूम रहे हो ना, ये सब मेरे पैसे से उड़ रहे हो तुम, ये मत भूलो। इससे पहले कि वो मुझे बदलती, मेरा करियर बर्बाद करती, मैंने उसे मार दिया। स्टेला को लगा कि तुमने उसे मार दिया। तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, तुम खुद को हार्म करने लग गई हो। सोनिया, डोंट वरी, तुम्हें हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन तुम पुलिस स्टेशन नहीं जा रही, ओके? कहीं चला मर गई चला। माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब सब ठीक हो जाएगा।
आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।